much fun in ages. What did you say your name was? तो भाई क्या हाल है सबके। देखो सबसे पहला चीज़ या तुम लोग को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस गेम का बाकी सारा पार्ट नहीं देखो, जाओ सबसे पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ जाके सारे वीडियो को देख लो। और जो नया गेम खेलना या जानना चाहते हो प्लीज़ सजेस्ट कर देना कि किसका अगला वीडियो बनाए। तो गेम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ यार, हम हाँ दो दिन से वीडियो नहीं ला रहे थे क्योंकि भाई इंग्लिश वर्जन वाला है, हम गेम कंप्लीट कर रहे थे। और यहाँ देख सकते हो मेरे पास दो एग है जिसको हम लोग हैच करने के लिए अपने पार्टी में रखे। और मेरा ग्रास टीम भी चेंज है, मेरे पास पॉइजनस ग्रास है और दो अंडे है जिसको हैच करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा है सब चीज़। और यहाँ का इसका मेन मोटो कुछ नहीं है, यहाँ पे हम आना स्किप कर दिए थे गलती से, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे फिर चलेंगे अपना अबैको सिटी में भी जो था वो। यहाँ पे ये मेनली हम लोग को भाई जी रिंग और जी क्रिस्टल के बारे में बताता है और जी क्रिस्टल देता है जिससे कि हम ब्रैंडन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, तो वही चीज़ है। तो यहाँ इसका जल्दी से बातचीत ख़त्म करते हैं, जी क्रिस्टल लेते हैं और ब्रैंडन के ऊपर बैटल करके टेस्ट करेंगे। चलो भाई देखा जाए। यहाँ पे हमको जी रिंग तो मिल गया और एक क्रॉसियम जी भी दे दिया है। तो देखो सबसे बड़ा चीज़ कि मेरे पास कुछ कुछ आइटम था, जैसे कि फाइटनियम जी देख सकते हो, फिर डार्कनियम जी भी था, एक मिमिक्यू जी भी था जो पिछले बार याद होगा जब पोर्तुगल लैंग्वेज वाला खेले थे उसमें मिला था। अभी मेरे पास है ग्रासियम जी और हाँ मिमिक्यू जी जो है था मिमिक्यू को दिए हुए हैं। यहाँ जब अपने एग हैच कर जाएंगे ना, जब देखेंगे कुछ अच्छे पोकेमोन हैं तो उस हिसाब से हम मिमिक्यू को वापस ले आएंगे। हमको लगेंगे कि मेरे पार्टी के लायक ठीक नहीं है तो हम ये लोग को एक को पार्टी पीसी में रख देंगे और देखते हैं अभी क्या होता है। सबसे पहला चीज़ है यहाँ पे कि हम लोग को बैटल करना मिल रहा है, तो चलो ब्रैंडन से बैटल किया जाए। इसका स्वाम्पट वाटर प्लस ग्राउंड टाइप होता है जिसमें कि मेरे सामने तो ये 4 times वीक है। हम इसके ऊपर भाई अपना जीरिंग बर्बाद नहीं करना चाहेंगे इसलिए हम इसके ऊपर मेगा ड्रेन से इसको ख़त्म करते, कुछ ताकतवर पोकेमोन के सामने हम लोग जीरिंग का ताकत दिखाएंगे। तो डार्मेनिटान इसका सेकंड पोकेमोन, इसके सामने पर आप पोकेमोन चेंज कर लो, खादू को ले आओ क्योंकि खादू ज़्यादा सही रहेगा। और भाई फ्लेयर बीट्स कोई बात नहीं, डैमेज तो ठीक ठाक दिया लेकिन इसको भी डैमेज पड़ा है तो हम रोल आउट अटैक कर भी देते हैं एक और बार। भाई चलो इस बार तो डैमेज कम पड़ा पिछले बार से, और मेरा रोल आउट अटैक है इसको डैमेज जितना ही पड़ा है जितना मेरा को डैमेज पड़ा है। मे भी शायद या मेनली जेड मोड में चला गया ये तो। अरे यार ये तो भाग भी गया। गाड़ी वॉर इसके ऊपर तो मेरा अटैक ही मिस करिएगा। डैम हम इसके ऊपर क्या करें, मे बी बॉडी स्लैम वो ज़्यादा सही रहेगा। फोकस ब्लास्ट भाई ये तो फाइटिंग टाइप मूव होता है, ये कहाँ से सीख गई। और क्या डैमेज दी है भाई गंदा वाला हमको, लेकिन हम भी इसको गंदा वाला डैमेज दी है। चल सही है पोकेमोन चेंज कर लो और अपना फ्लेम साइकिक फ्लेम को ले आते हैं। और भाई सेल्टर रॉक से यार डैमेज हमको अच्छा खासा पड़ा है यार ये तो। भाई मजाक है क्या, ये तो फुल हील भी इस्तेमाल कर रही है। चलो उतना तो डैमेज नहीं पड़ा यार मिस्टिक फायर से, मेरे पास फ्लेम थ्रोअर यूज़ करना चाहिए हमको या एक और बार मिस्टिक फायर यूज़ करें। कोई ना फ्लेम थ्रोअर से डैमेज ठीक ठाक दिया। फिर से फोकस ब्लास्ट भाई साहब मेरा साइकिल है ना इसलिए फोकस ब्लास्ट के मेरे ऊपर उतना काम नहीं किया। डार्मेनिटान इसको तो हम साइशॉक से हरा सकते हैं। अर्थक्वेक भाई पहले हमको कोई बता देता इसको अर्थक्वेक आता था, हम पोकेमोन में चेंज कर लेते। डैम यार ये तो फिर से जेन मोड में चला गया, ड्रैगन क्लॉ ही सही रहेगा इसके ऊपर। ओ भाई बच गया, फिर से अर्थक्वेक। ड्रैगन क्लॉ माने कि ड्रैगन टाइप के सामने अर्थक्वेक थोड़ा सा कम काम करता है। चलो उसको तो हराए। इसका बोल्टंट अब पोकेमोन चेंज करके ले आते यार अपने जीमो वाले पोकेमोन को, यानी कि अमंगस प्लेयर ऑफ। कोई ना हम लोग यूज़ करेंगे अपना भाई ब्लूम डूम यानी कि जीमो। भाई साहब हमें भी पता है जब हम रिकॉर्ड करने से पहले जब खेलते हैं ना
तो ये बोल्टोर भी अपना जीमूव यूज़ किया था थंडर वाला, लेकिन कोई नहीं अभी यूज़ नहीं कर पाया, मेरा ब्लूम डूम अटैक ही इसको तबाह कर दिया। चलो भाई सही है, मे बी हमको लगता है ब्रैंडन से मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा बैटल हो गया, उम्मीद से ज़्यादा। ये कह रहा है कि भाई हम डिजर्व करते हैं इस चीज़ को, हम इसको यूज़ कर सकते हैं बैटल के लिए, गुड लक। ठीक है लेकिन भाई मेरे तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा हम ब्रैंडन, क्योंकि तुम मेरे सामने उतना अच्छा से नहीं टिक पाए। और हाँ देखो हम यहाँ तक आने के लिए ना थोड़ा सा रेयर कैंडी का चीट कोड यूज़ किया है, तो ये मत कहना देख करके कि भाई चीट कोड या रेयर कैंडी दिखा 2020, तो उस चीज़ को इग्नोर करना। अब अबैको सिटी में है तो अभी मेरा मेन फोकस होगा जिम लड़ने के लिए, ठीक है। और लकीली मेरा खादू पता है वहाँ बैटल में ही हेवी स्लैम सीख गया था, जिसमें कि जहाँ हम लोग जा रहे जिम में ना भाई विश्वास नहीं करोगे, ये मेरे एडवांटेज में मेरा एडवांटेज है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास पॉइजन भी है, स्टील टाइप मूव भी है। भाई साहब तुम लोग समझ सकते हो ये जिम कौन सा होगा, जब ये दो टाइपिंग के अगेंस्ट में मेरा टाइपिंग स्ट्रॉन्ग है तो समझ जाओ कि यार ये फेरी जिम है, जिस कारण से कि यार अब हम इजीली इसको डिफीट कर सकते हो। अब हमको 5 फ्रेश वाटर भी दिया है, और हाँ पहले बता दे रहे इस जिम का पजल भी है, तो पजल भी सॉल्व करके हम दिखा देंगे। तो चलो अब देखते हैं यहाँ के हम लोग क्या तबाही मचा सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले चीज़ जहाँ से हम जा रहे वहाँ से चलना है, और यहाँ बैटल भी होएगा तो बैटल भी कर ही लेना है तुम लोग को, क्योंकि हम तो एक एक का ही बैटल दिखाएंगे तुम लोग को, इसलिए थोड़ा सा तो यार जस्ट लिटिल बिट मोर वेट। और इसके ऊपर भाई हम अपना हैवी स्लैम करते हैं, और ये बेचारा धाम क्या यार धमाका हुआ है यार यहाँ पे, इसको तो हराए। अब बारी अपना सेकंड बैटल, डोंट वरी। हाँ भाई डोंट वरी, ऐसे भी पनिशमेंट हम तुमको देंगे ना कि तुम हमको दोगी। 9 टेल भाई यहाँ पे तो पोकेमॉन चेंज करना बनता है, तो हम हेवी स्लैम नहीं यूज़ करके पोकेमॉन चेंज करके अपना साइकिक फ्लेम को ले आएंगे। और हाँ कमो को तो हम निकनेम देना भूल गए थे गलती से, उसको भी हम लोग निकनेम दे देंगे, ठीक है। आई शार्ड अटैक, मेरे ऊपर दो अटैक, लेकिन मेरा फ्लेम थोड़ से तो बच के रखाओ। 9 टेल चलो ये भी गई। अब बारी अपना जिम बैटल का, लेकिन जिम बैटल करेंगे उससे पहले हम तुम लोग को यहाँ पे इजीली तरीका से दिखा देते हैं जिम कैसे जाना है तुम लोग को, जैसे जैसे जा रहे हैं देखते हुए आराम से आ जाओ जिम लीडर के पास और बैटल करना है। देखो हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने के लिए तुम लोग को वेट करा दिए, लेकिन भाई टाइम लगता है। चलो भाई देखते हैं अब यहाँ पे कि इसको कैसे हराना है, क्योंकि मेरे पास दो एडवांटेज है, तो मे बी ये मेरे सामने उतना अच्छा से टिक नहीं पाएगी। विगली टफ यानी मेरा इजी, मेरे लिए इजीली टारगेट। डायनामैक्स कर सकते हैं हम, डैम ग्रेट यार। चलो भाई अभी मेन फोकस मेरा रहेगा हेवी स्लैम के ऊपर में, और विगली टफ मेरे लिए इजीली टारगेट है कि जल्दी से मेल्ट हो जाए। चलो जैसा हम सोचे थे हम जल्दी जल्दी मेल्ट हो गई। गाड़ी वॉर ठीक है, गाड़ी वॉर के ऊपर भी हम कर दे, बस इसके पास वो फोकस ब्लास्ट अटैक ना हो। मेगा गाड़ी वॉर ये सही है, ये मेगा इवॉल्व करिए, यानी कि ये जिम डायनामैक्स या जायगंटामैक्स नहीं कर पाएगी, ये सही चीज़ है। हेवी स्लैम डैम यार बस एक बार में हरा दे, हरा भी दिया। दैट्स रियली ग्रेट यार, दैट्स रियली ग्रेट। हाँ ये आइसक्रीम, ओ यार ये तो ड्रेन पंच यूज़ कर रहा है, पिछले बार तो यार मून ब्लास्ट अटैक यूज़ किया था, इसलिए हम यहाँ पे खुश थे, हमको पता था ड्रेन पंच इसके ऊपर तो हम काफ़ी जल्दी से हेवी स्लैम यूज़ करते हैं। चलो इसको भी हरा दिए। मोबाइल पोकेमॉन चेंज करेंगे भाई यहाँ पे, तो हम अपना साइकिक फ्लेम को ले आएंगे और तबाही मचवाएंगे। प्ले रफ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्ले रफ यूज़ करो, लेकिन मेरे फ्लेम थोड़े से भी तो बच के दिखाओ। सकर पंच भाई डैमेज एकदम काटी लाना दिए अभी हमको। चलो कम से कम इसको फेंट कर दिए, अब हम डायनामैक्स करके इसको हराएंगे, इसकी सेल्वियन को। अब मे बी इसकी सेल्वियन मेल है यार, डैम सेल्वियन फीमेल में रहती तो ज़्यादा सही रहता। डायनामैक्स करके मैक्स फ्लेयर, चलो देखते हैं। कम ऑन यार उतना एचपी नहीं भरा, लेकिन हाँ एक मिनट
टाइम टू टाइम भाई साहब ये जीमूव यूज़ कर रही है, मानी कि ये मेगा एवोल्यूशन यूज़ कर रही है, ऊपर से डायनामैक्स भाई ये तो मेरे सामने जा रहा है, तेज बन रही थी भाई, डैमेज हम दिए है, ओपी डैमेज दिए है। स्टार फॉल बस मेरा बच जाए बच जाए बच जाए बच जाए, हाँ बच गया भाई बच गया यार, इसको हराना पड़ेगा, बस मेरा एक अटैक और लगे ना ये जाएगी, ये सेल्वियन गया, बस मेरा एक अटैक लग जाए। मैक्स फ्लेयर इस बार हम फ्लेयर थोड़ा वाला मैक्स फ्लेयर यूज़ करेंगे, हम रिक्स नहीं लेना चाहते हैं। हाइपर पोशन भाई मजाक है क्या, एक तो मेगा एवोल्यूशन करके चीटिंग की, ऊपर से डायनामैक्स करके चीटिंग कर रही है, ये क्या हो रहा है, मजाक है क्या। चल लकीली मेरा क्रिटिकल हिट गया है, नहीं तो भाई ये तो तबाह कर देती हमको भाई साहब। मेरे साथ प्रैक्टिस बैटल में ऐसा नहीं की थी, अच्छा हम रिकॉर्डिंग करने के लिए बैटल कर रहे हैं तो भाई ये पूरा तबाही मचा दिया यार रिकॉर्डिंग में मेरा, तो भाई गेम भी मेरे साथ चीटिंग कर रहा है साला। फेलेरियम जी यानी कि फेरी टाइप वाला जी मूव, मेरे पास मिमिक्यू है फेरी टाइप, लेकिन ये उसको मिमिक्यूम जी दिए हुए तो इसलिए हम फेरी टाइप वाला जी तो मेरे लिए अभी वेस्ट ऑफ जी मूव रहेगा। चलो कोई ना, यहाँ से बाहर निकलते हैं और इन अंकल जी को बता देते हैं कि भाई एक मिनट अंकल जी गुड लक कर रहे हैं हमको। चलो कोई ना, चलो हील ढोते हैं। अरे ये क्या मजाक है तुम्हारा सर, हाँ हम तो ठीक है लेकिन आई एम सॉरी मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी क्योंकि कुछ स्ट्रेंजर्स ब्लैक ड्रेस में आए हैं सिटी म्यूजियम में, वो वहाँ लूटने की कोशिश कर रहे। अच्छा तो तुम वहाँ से भाग के आए हो, चलो काफ़ी ज़्यादा लकी थे भाग गए, क्या हम उसका हेल्प करें। अरे यार ये लोग साले कुछ भी करवाते दिन रात। चल कोई ना, सबसे पहले यार हम हील ढो लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ म्यूज़ियम कौन सा है, क्योंकि हमको म्यूज़ियम भी तुम सिटी भी तो एक्सप्लोर नहीं की है, इसी बार हम एक्सप्लोर भी कर सकते सिटी, ये सही चीज़ है, अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो सिटी भी एक्सप्लोर करके वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सकते आज के लिए। तो चलो देखते ले, म्यूज़ियम तो मेरे आँख के सामने निकल गया, हमको लाके पूरा सिटी अभी एक्सप्लोर करना पड़ेगा तब पता चलेगा। अब आको म्यूज़ियम ठीक है, एंटर द म्यूज़ियम यू नीड टू पे वन टाइम फी। भाई मजाक है क्या साले ये, भाई एकदम सही में उठी आ पाए यार, एक तो साला इन लोग का म्यूज़ियम बचाओ ऊपर से पैसा भी दो, भाई इससे अच्छा तो कैंटो वाला लोग है यार, कम से 50 रुपया लेता है ये 1000 ले रहा है, अब क्या ही करेंगे, देना ही पड़ेगा पैसे का है कि नहीं देंगे तो ये हमको आगे जाने नहीं देगा, 1000 रुपया बर्बाद। ये हमको क्या कर रहा है, सीक्रेट वाले जो ग्रंथ से हमको सेबल ला के देना है जो कि एक रिवॉर्ड के तौर पर हमको कुछ देगा, हमको तब देखना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, म्यूज़ियम में देखते कितना फ्लोर है, यहाँ दो ही फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे चलता, जितने भी होंगे ना एक बैटल करेंगे और सब लोग को ऑफिस के नीचे हम बैटल करके हरा देंगे, ये ज़्यादा मेरे लिए सही रहेगा। चलो अब देखते हैं ये लोग डार्क टाइप नहीं यूज़ कर, राइटिंग टाइप मूव ज़्यादा इसके ऊपर सही रहेगा। सीक्रेट ग्रांट, अरे यार ये तो पंप का बुक एवोल्यूशन लेके आ गया है, ऐसे कोई ना देखा जाए तो मेरा ड्रैगन क्लॉ इसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्टिव है, शैडो स्नेक उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार हम करेंगे ना ये गया फिर से, कोई ना कोई ना कोई ना ये गया। चलो इसके पास तीन तीन था और भाई काफ़ी ज़्यादा तंग किया हमको, और हाँ ये चीज़ एक चीज़ था कि यहाँ पे इन दद्दू जी से बात करोगे ना, ये दद्दू जी से बात कर लोगे तो तुम लोग को साइनी एक मिलेगा ठीक है, और उस साइनी एक से एक साइनी पोकेमोन भी तुम लोग को मिल सकता है जो कि काफ़ी सही होगा, लेकिन अभी तक हमको पता नहीं क्योंकि भाई हम हैच नहीं किए थे, हमको भी यहाँ रिकॉर्डिंग करने टाइम में भी पता चला था, तो सोचे तुम लोग को बता दे कि छोड़ ना दो कुछ काम का चीज़। चलो अब फ्लोर सेकंड पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। ग्रंट्स तो भाई यहाँ पे भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा ग्रंट्स है यार, आदमी लोग के बीच में ही है। चलो यहाँ पे वैसे ग्रंट्स नहीं थे कि भाई देखते ही रहे, चलो सही है। और ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, वेल डन
जल्दी से जाके वो चीज़ उठा लो। और इस यार मेरा नेम में इतना के क्यों लगा दिया यार बेवकूफ। मास्टर आइज़क आएंगे जो कि बदला लेंगे तुमसे, बैटल के लिए तैयार हो जाओ फिलनड है कहना। ओ मैन, एक तो ये लोग हारेंगे, ऊपर से मेरे साथ डबल बैटल कर रहे भाई, ये कहीं का इंसाफ है भाई? ये तो यमैक्स का एवोल्यूशन लेके आ गया, एक तो सिविलाई को तो हम हरा सकते हैं, लेकिन यमैक्स का एवोल्यूशन के ऊपर फॉर यार इसके ऊपर हाँ ग्राउंड टाइप अटैक हो, मान कि ग्राउंड टाइप ना होता है ना ग्रास टाइप में, इसके ऊपर सुपर डुपर रहेगा भाई। साले ये लोग के पास तक मेगा एवोल्यूशन है भाई, मेरे पास कब आएगा मेगा एवोल्यूशन? यार बहुत गलत चीज़ है यहाँ पे, तो ये लोग मेगा एवोल्यूशन कर रहे हैं, हम यहाँ मुटा कर रहे हैं भाई, गजब गजब बेइज्जती है भाई साहब। ये तो यार पॉइजन भी कर दिया टॉक्सिक से, और डेशी डुआई भाई इसके पास अच्छे अच्छे पोकेमॉन से यार। तो इस बार हम क्या करते हैं ना कि मिस्टिक फ्लेम से डेशी डुआई के ऊपर अटैक, और गीगा ड्रेन से हम सिविलाई के ऊपर अटैक कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से ये दोनों निपट जाए। चलो डेशी डुआई तो गया, अब बारी है इसका, और ये भी निकल गया। हाँ भाई राहत, राहत का सांस जो होता है ना हम यहाँ आके लिए जब ये दोनों को मारे तो। इसके ऊपर हम प्लेन छोड़ करते और जीमो यूज़ कर लेते हैं, मेरा जीमो ज़्यादा से पहले लग गया ना तो मज़ा ही आ जाएगा, ब्लूम डूम अटैक। अरे यार प्लेन छोड़ चला गया यार, भूल कहते गए कि पार टाइप पोकेमॉन का स्पीड ज़्यादा रहता है। चलो कोई ना, ये कह रहा है मास्टर आएंगे यानी कि टीम आइज़क के लीडर आएंगे और वो तुमसे बदला लेंगे हम लोग का। हाँ ठीक है बदला ले लेना, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग को वहाँ भी हराएंगे यहाँ भी हराएंगे और हर जगह हराएंगे। चलो यहाँ से ये लोग तो गया, और यहाँ पे ये तो ऑमनेस्टी का फॉसिल है, ऑमनेस्टार या ऑमनेस्टी, और ये वाला काबुटो ना फॉसिल अभी तो नहीं, और एरोडैक्टल का फॉसिल ये सब भाई। देखो यहाँ पे हमको फालतू का टाइम लग रहा है, हमको वो टीम आइज़क वाला का ग्रंट से भी एक बार जरा बात करना है कि हमको वो शेबल तो नहीं दिया, यानी कि गड्ढा खोदने वाला रहता है, देखते ही ये डिड यू गेट सेबल? नहीं यार हमको सेबल तो नहीं मिला है भाई, ये तो हमको भगा दिया, जब सेबल नहीं मिला तो यहाँ कर क्या रहे हो? हाँ कोई ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमने वहाँ टीम आइज़क को भगा दिया उसके लिए, और जी क्रिस्टल भी मिला है तुमको, जी क्रिस्टल भाई हमको जिम में मिला है, और ये हमको फॉसिल दे रहा है, हमको लोग पैसा वैसा दे देते हैं, नहीं तो उस जो सेबल मांग रहा था कम से कम वो सेबल दे देते। कच्चब आदमी था लेकिन कच्चब, यहाँ मेरे पास साइन ही एक भी तो था ना, वो किधर गया? अच्छा मेरे पीछे में हो गया, एक मिनट हम देख लेते हैं वो, मे बी या उसको हैच हम करेंगे जल्दी से, या वो हैच होने वाला रहे ना तुम किसी एक और पोकेमोन को रख करके पीछे में उसी को हैच करेंगे। इट विल टेक सम टाइम, यानी कि ये टाइम लेगा अभी थोड़ा सा, और तुम लोग देखे ना कि वहाँ मिमिक्यू था, हम मिमिक्यू को भी कैच किए हुए, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे थे तुम लोग से। और चलो यहाँ पे गेम को सेव कर देते, और हाँ प्लीज़ तुम लोग यार अपने दोस्त लोग में शेयर कर देना वीडियो को कि भाई व्यूज़ अभी कम आ रहे हैं, प्लीज़ यार शेयर कर देना, मिलते हैं और एक वीडियो।